सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में. आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जोड़ों के दर्द की जिन लोगों को शिकायत रहती है उनके लिए उपाय जानते हैं. संधिवात इसे बोलते हैं. ये बहुत ही कष्टकारक समस्या होती है. सबसे पहले तो ये समस्या उन लोगों को ज़्यादा होती है जो लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं या खाना खाने के साथ पानी पीते हैं या खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीते हैं. तो सबसे पहले तो इस आदत को बदलिए. खाना खाने के एक घंटे पहले और एक घंटे बाद में पानी पीजिए. खड़े होकर के पानी पीते हैं बॉटल से, बदल दीजिए आदत ग्लास से और थोड़ा थोड़ा करके पानी घुट घुट करके पीजिए. मुंह में घुमा करके पीजिए ताकि मुंह में जो आपके लार है वो मिल करके पेट में जाए, ताकि आपके पेट की अच्छे से सफाई करे, फिर आपको ये शिकायत नहीं होगी. अच्छा, जिनको हो गई है, जिनको जोड़ों में दर्द हो रहा है, उनके लिए अब जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए. जोड़ों पर नींबू का रस मलिए. इसको मलने से जोड़ों का दर्द और सूजन दूर हो जाएगी. नींबू का रस आमाशय, आंतों और रक्त की अम्लता यानी कि खटास की अधिकता को कम कर देता है, जिससे जोड़ों का दर्द, स्नायु का दर्द, बहुत अधिक कमजोरी, ये सभी रोग दूर हो जाते हैं. यानी कि इसका सेवन भी हमें आवश्यक रूप से करना है. नींबू खट्टा होने पर भी इसका स्वभाव क्षारीय यानी कि खारा और अम्लनाशक होता है, और जब बॉडी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तभी ये समस्या होती है. इसीलिए कहा जाता है कि पानी भी जब पिएं तो मुंह में घुमा करके पिएं, ताकि अम्लता को काटता है आपका जो लार होता है वो अंदर जाता है. तो क्योंकि ये क्षारीय होता है, इससे आपको जीवन भर बचे रहना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पानी पीने के नियम पर ध्यान दे लें और नींबू का सेवन करें. अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है तो अम्लनाशक ये होगा और इस वजह से आपको इसमें मदद मिलेगी. इसके अलावा नारंगी के रस का सेवन करने से स्कर्वी रोग, बेरी बेरी रोग, जोड़ों का दर्द और शोथ में लाभ होता है. यह मस्तिष्क और यकृत को शक्ति देकर के स्फूर्ति भी प्रदान करता है, इसलिए नारंगी का सेवन भी कर सकते हैं. या फिर जोड़ों के दर्द में चुकंदर का रस सेवन करना काफ़ी गुणकारी होता है. यह रक्त को बढ़ा देता है और स्त्रियों का दूध भी बढ़ाता है, यकृत को शक्ति देता है और मस्तिष्क को तरोताजा रखता है. इसीलिए आप सभी चुकंदर का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए. इसको सैलेड के रूप में आप सबसे अच्छे तरीके से सेवन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा. इसके अलावा आपको ये भी नहीं मिल पा रहा है तो अजवाइन ले आइए. अजवाइन के तेल की मालिश कीजिए जोड़ों पर, आपको दर्द से राहत मिलेगी. खाने में इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए, इसमें से कोई भी जो आपको मिल जाए. ऑयल से जो मसाज करना है आपको, वो अजवाइन के ऑयल से करना है दर्द हो रहा है तो. या फिर एक चम्मच सौंठ और आधा टुकड़ा जायफल लेकर के दोनों को पीसकर तिल के तेल में मिला करके इसमें कपड़ा भिगो करके जोड़ों पर पट्टी बांध देनी है. जोड़ों का दर्द इससे दूर होता है. या फिर छोटी इलायची का सेवन कीजिए. इससे सिर दर्द, पेट का दर्द, मितली और जोड़ों के दर्द की पुरानी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं. बस इन सभी का प्रयोग करते हुए आपको ध्यान रखना है कि जोड़ों का दर्द हुआ क्यों है. क्योंकि आपने अपने अंदर ऐसी हैबिट्स डेवलप कर रखी हैं. आप पानी पीते होंगे खाना खाने के तुरंत बाद, या फिर खड़े होकर के, या फिर एक सांस में पानी पी जाते होंगे. मुंह से लगाया बॉटल या ग्लास या लोटा तो आप पानी खत्म करके ही रुकते होंगे. ये बिल्कुल गलत आदत है. खड़े होकर के पानी पीना बिल्कुल गलत आदत है. इस आदत को बदल दें, नहीं तो आपको जोड़ों के दर्द से दो चार होते रहना पड़ेगा, पूरे जीवन बचे रहना है तो इन सही तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी है. खाने पीने में हमने बताया आपको कि कौन सी चीजों का सेवन करें आपको लाभ प्राप्त होगा, और मालिश के लिए भी बताया. इतना इनफ है. बहुत सारी चीजें और बहुत सारी औषधियां हैं हम बता सकते हैं, लेकिन इनका ही प्रयोग कर लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा है और ये सब आसानी से मिल जाने वाला है. आपको नींबू आसानी से मिलेगा, नारंगी आसानी से मिलेगा, इसीलिए हमने ऐसी चीजें ही बताई. चुकंदर भी आसानी से मिलेगा, जो आपको आसानी से मिल जाए. अजवाइन का तेल ले लीजिए, उससे मालिश कीजिए और इन चीज़ों का सेवन कीजिए. नींबू, नारंगी और चुकंदर का सेवन कीजिए. आपके पेट के समस्या को ख़त्म रखिए, आपके जोड़ों के दर्द की समस्या खत्म हो जाएगी. जो लोग पानी तुरंत पीते हैं उनके साथ होता क्या है, जठराग्नि शांत हो जाती है, खाना सही ढंग से डाइजेस्ट होता नहीं है, इस वजह से अम्लता की मात्रा बढ़ती जाती है बॉडी में और आपको ये शिकायत होती है. तो अम्ल को काटने के लिए क्षार की ज़रूरत होती है, जो आपके मुँह के स्लाइवा में होता है. तो पानी पिए
तो मुंह में लार को उसमें पूर्णतः घुला दें और फिर पिए। फिर देखिए फायदा क्या होगा, वो अम्ल को काट देगा और वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। इस वजह से बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है। नींबू भी यही कार्य करता है, वो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। इस वजह से आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। हाँ, इन औषधियों के साथ आप सोचेंगे कि आज हमने खाया पिया और आज लाभ प्राप्त हो जाए या कल प्राप्त हो जाए, तो बिल्कुल संभव नहीं है। ये ध्यान में रख करके ही प्रयोग करना है कि थोड़ा लंबा समय लगता है आयुर्वेदिक औषधियों के साथ प्रयोग करने में, लेकिन बीमारी को जड़ से समूल रूप से नष्ट करती हैं आयुर्वेदिक औषधियाँ। इनका ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो यह आज का एपिसोड रहा। अब मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड में। आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी अगर सवाल है, सोच रहे हैं किसी बीमारी के बारे में, औषधि के बारे में, तो कमेंट्स के माध्यम से बेझिझक लिख भेजें। हम उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए आने वाले दिनों में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट आया रहता है, हम उन टॉपिक्स को अगले आने वाले दिनों में लेते हैं। मिलते हैं अब आप सभी से नए एपिसोड में। आप सभी हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे, इस बात की बेहद खुशी है हमें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।